हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो दिन में मैथ्स की तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और दो दिन बचा है, तीन दिन बचा है या चार दिन बचा है, तो इनमें जो है कि आप मैथ्स की एक अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, पूरा स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँगा वह स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं, तो इतना गारंटी है कि अब की बार जो है कि आप मैथ्स में 90% से भी ज्यादा अंक ला सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आप सिर्फ दो दिन में पढ़कर मैथ्स की एक अच्छी तैयारी कैसे सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी है। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपको मैथ्स की एक अच्छी तैयारी करनी है तो उसके लिए सबसे पहला काम जो आपका है वह है बुक्स। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी बुक्स उठानी है और बुक्स उठा करके यह करना है कि उसमें देखना है कि मैथ्स में अभी तक आपने कितने चैप्टर तैयार कर लिए। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपको मैथ्स का एक भी चैप्टर नहीं तैयार हो, तो सबसे पहला काम यही कर लेना है कि मैथ्स में देख लेना है कि कितने चैप्टर आपके तैयार हैं। मान लीजिए कि आपके मैथ्स में 20 चैप्टर थे, तो इनमें से जो है कि सिर्फ आपको 5 चैप्टर तैयार हैं और 15 चैप्टर अभी तैयार नहीं है। तो यह काम आपको कर लेना है कि सबसे पहले ढूंढ लेना है कि क्या तैयार है और अभी क्या तैयार करना है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि अपना क्वेश्चन बैंक उठाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना क्वेश्चन बैंक उठाना है और क्वेश्चन बैंक उठा करके आपको क्या करना है कि जो यह 15 चैप्टर अभी आपने नहीं तैयार किए हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट चैप्टर ढूंढना है। जी हाँ दोस्तों, उनमें से आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर ढूंढना है। मान लीजिए कि इस 15 में से आपके 10 चैप्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, हर साल जो है कि इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर को आपको ट्रिक कर लेना है। तो इसको ट्रिक करने के बाद आपको क्या करना है कि इसकी तैयारी आपको डायरेक्ट ऐसे शुरू स्टार्ट नहीं कर देनी है, इस 10 चैप्टर में से भी आपको छांटना है कि कौन कौन सा चैप्टर आसान है, कौन सा चैप्टर आप बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं, कौन सा चैप्टर आप काफी देरी में तैयार कर सकते हैं। तो जो चैप्टर आपको आसान लगे 10 में से, सबसे पहले आप उस चैप्टर को तैयार करिए और उसके बाद उससे जो कठिन हो चैप्टर उसको तैयार करिए। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो यह 10 चैप्टर आपको तैयार करना है। तो उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो यह 10 चैप्टर पढ़ने के बाद तो आप जो 5 चैप्टर इस 15 में से बचा है उसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यह आपका कम इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है कि आने के कम चांस रहेंगे। तो सबसे पहले आप इस 10 चैप्टर को पढ़िएगा और इसकी भी पढ़ाई आप पहले इजी वाला चैप्टर पढ़िएगा और उसके बाद कठिन वाला पढ़िएगा। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और एक चीज और आपको ध्यान देना है, वह है फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स की तैयारी में फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि उनको लास्ट टाइम पे फॉर्मूला ही नहीं याद आता है। तो इसलिए आपको फॉर्मूला, सभी फॉर्मूले को तैयार करके जाना है, कौन सा फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो आप मैथ्स के क्वेश्चन को हल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूला का आपको जरूर देख लेना है। जितने भी फॉर्मूला आपकी मैथ्स की किताब में है वह आप तैयार करके जरूर जाइएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मैथ्स की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं दो दिन में, तीन दिन में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।